हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये 34 नंबर 32 से 34 नंबर का ओलेन ब्लाउज बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो इसका बॉर्डर मैंने मेंशन कर दिया है अपने चैनल में, आप लोग देख लीजिएगा। ये बॉर्डर मैंने बनाना बताया ही है। यहाँ पे मैंने 80 फंदे लिए हुए हैं, आप 85 भी ले सकते हैं, बट ये ऊल मोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे 80 फंदे बॉर्डर के लिए रखा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ऊल जो है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट फर वाली ऊल होती है, जो ये मार्केट में इजली अवेलेबल होती है, आप ले सकते हैं, वो ऊल है। और एक मैंने सिंपल ऊल लिया है, सिंपल सी इसकी देखिए नीटिंग हुई है, उल्टे सीधे की नीटिंग हुई है। ये देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो इस सॉरी इस वीडियो को मैं, मतलब ये ब्लाउज वाली डिज़ाइन को, तीन पार्ट में बनाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर तीनों पार्ट वॉच करें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो अभी ये हाफ बना है, वी शेप का ये बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे 80 फंदे हैं। तो 80 फंदे पहले हमने हाफ ऑफ डिवाइड कर लेना है, 80 40 फंदे एक सलाई पे हमने ले लिए हैं। तो 40 फंदे हमने एक सलाई पे, देखिए मैंने ये नॉर्मल ऊल लिया है, ये देखिए सिल्क थ्रेड है। तो चलिए हम पहले 80 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मेरा 80 फंदा है, तो हमने हाफ हाफ बुनना है। तो पहले हम 40 फंदे एक सलाई पे लेके, एक साइड का देखिए, एक साइड का ये एक बार में बना हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला हमारा पार्ट बन रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूँ, ताकि आप ये पार्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेकेंड पार्ट कल परसों तक अपलोड हो जाएगी। ये देखिए हमने काउंट करके 40 फंदे बुन लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 फंदे सॉरी 40 फंदे ले लिए हैं। अब देखिए यहीं से हम फंदे को सॉरी सलाई को मोड़ लेंगे, और यहाँ पे देखिए अब हमारा दो का एक होगा, दो फंदे एक साथ हमारे बुने जाएंगे। जैसे हम वी शेप में, जब भी वी शेप का गला बनाते हैं, तो एक एक फंदे हम कम देखिए करते हुए फ्रेंड्स, जाते हैं। हमने इस कलर से दो दो फंदे, मतलब ये 6 सलाइयों की निटिंग हो रही है हमारी, 3 सीधे के 3 उल्टे की। अब देखिए इस कलर से भी हमने यहाँ से दो का, बैक साइड से हमने दो का एक करना है। आप चाहें तो फ्रेंड्स, एक एक सलाई बुनने के बाद फिर दो का एक करें, या तो हर सलाई में भी आप दो का एक कर सकते हैं। लेकिन हर सलाई में अगर आप दो का एक करेंगे, तो बहुत ही जल्दी हमारे फंदे कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक सलाई का डिफरेंट करके, एक सलाई का गैप करके फिर दो का एक करें, तो बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बनकर आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं, लेंथ माप के, कि आपको पूरे पेट का बनाना है, जो पूरा पेट ढका हो, या हाफ। तो आपने अपने हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है। उसके बाद जब ये हमारी लंबाई हो जाए फ्रेंड, तो आप शोल्डर तक माप कर फिर ये हमारी कटिंग होगी, मतलब वहाँ से घटाना होगा, हमने अपने शोल्डर से माप के फिर घटाना होगा कि हमने कितने फंदे वहाँ पे कम करने हैं। तो अपने हिसाब से आपने इसको लंबाई करके एक एक सलाइयों का, या तो आपने ज़्यादा बड़ा रखना है तो दो दो सलाइयों का गैप करके फिर आप दो का एक करें। अगर हर सलाई में आप दो का एक करेंगे, तो काफ़ी ये छोटा बन जाएगा ब्लाउज, तो इसका मेजरमेंट सही नहीं रहेगा। इसलिए आप दो दो सलाइयों का मेजरमेंट करके, सॉरी गैप करके, दो सलाइयों के बाद ही एक एक फंदे कम करने होते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद अपने हिसाब से, ये चाहे जैसे हमारी 8-10 धारियां हो जाए दोनों मिला के लाइनें, फिर आप इकट्ठे हमारे 5 फंदे घटा लेने हैं। अब देखिए उल्टे सीधे की हमारी दोनों नीटिंग चल रही है। इसको हम ऐसे घटाते हुए फ्रेंड्स, हमने तब तक घटाना है जब तक हमारे ये कंधे की कटिंग ना हो। चलिए तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखिए मुड्ढे की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे एक ही बार में घटा लिया है। यहाँ पे देखिए इस साइड एकदम प्लेन पता चल रहा है, हमने 6 फंदे एक ही बार में घटा लिया है। अब हमने देखिए 6 फंदे करने के बाद आपने ऐसे माप लेना है हाथ से। देखिए ये हमारा इतना आना चाहिए। तो देखिए या तो आपने
आप अपने हिसाब से अपने मुड्ढे की कटिंग करेंगे या आपने ऐसे ही माप के कि हमारा ये इतना आना चाहिए और बिल्कुल भी कम ना हो, ज़्यादा हो जाए एक्स्ट्रा रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे जब मैंने कटिंग की है मुड्ढे की, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 तीन पिंक कलर का बुना है, दो ये, यानी यहाँ पे मैंने 30 से 40 सलाइयों की और ज़्यादा ही निटिंग की हुई है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। और लास्ट में हमारा जब यहाँ पे 10 फंदे बचेगा, जब हमने यहाँ पे 6 कर दिए, 16 फंदे हमारे एक्चुअली यहाँ पे थे, तो 6 फंदे हमने घटा लिए, और ऊपर से जब तब हमारा यहाँ पे एक एक फंदे कम करना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट बन गई है। तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे जब रह जाएंगे तो ये हमारी नीटिंग करते हुए जाएगी, और आप अपने हिसाब से ये इसकी लंबाई रख सकते हैं। बहुत लोग हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, तो उनको ज़्यादा रखना होता है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे इतनी इसके मुड्डे की कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये ब्लू वाला हमने ये एक और बुनना है, एक, और ये पिंक वाला दो, यानी हमें अभी 20 से 25 सलाइयों की निटिंग दोनों मिला के करनी होगी। 10 फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं तो 10 फंदे हमने घटा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक उलेन ब्लाउज बनेगा, ये देखिए, और बहुत इजी भी है। ये वाला ऊल लेने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमने ना कोई डिज़ाइन डाला है ना कुछ, फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये अपने आप में। तो बाकी का और सारा प्रोसेस हम सेकेंड पार्ट में आप लोग को बताएंगे कि यहाँ से सारा फंदा उठा के फिर हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो अभी तो आपने दो पार्ट सेम एज इतने ही फंदे का आप दो पार्ट बना लें, 80 फंदे से स्टार्ट करें, ये बॉर्डर बनाएं। आप दूसरा भी बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सब ब्लाउज के ही बॉर्डर होते हैं, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये सारे बॉर्डर। तो आप लोग ऐसे ही कुछ कंगूरे वाले, मैंने 2 3 बॉर्डर बनाना बताया है, तो आप लोग ऐसे ही बनाएं। बाकी का प्रोसेस यही रहेगा। अगर आपने 80 फंदे लिए तो हाफ हाफ, अगर आप 90 फंदा लिए हैं तो 45 एक साइड, 45 एक साइड रहेगा, और यहाँ से एक एक फंदे हम कम करते हुए हर दूसरी सिलाई पे या एक सिलाई का गैप करते हुए हमने दो दो फंदे कम करने होते हैं, दो का एक कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे 10 फंदे बचे हैं, तो इसको हम निट करके फिर यहाँ से जैसे इसको सारे फंदे को बंद कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।